अस्सलाम वालेकुम, कैसे वीवर्स, उम्मीद होगी कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब ये कहते थे क्रोशन वाले एक्सटेंशन कैसे होती है, तो ये देखिए क्रोशन वाले एक्सटेंशन मैंने इस लड़की को पहले भी लगाया था, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी, आप वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो आज 3 महीने के बाद ये आई है, 3 महीने के बाद ये आई है रिफ्रेशिंग करवाने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, तो ये ऊपर करवाने आई है, इसको रिफ्रेशिंग कहते हैं। और आप 3 महीने के बाद आई है ना, तो ये 3 महीने के बाद आई है, अब इसकी मैं रिफ्रेशिंग करूँगी। और ये है बिकॉज सॉफ्ट है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एक्टिव होती है। तो 3 महीने के बाद इसकी रिफ्रेशिंग हो गई, तो ये देख सकते हैं कितनी आराम से ये खुलती हैं। और आप देख सकते हैं कोई बालों को डैमेज नहीं करती। और काफ़ी लोग कहते थे यार आप ये अगर क्रोशन वाली हम करवाएंगे डैमेज होगी बाल, तो ये देख सकते हैं कोई डैमेज बाल नहीं होते, सिर्फ हम रबर को हल्का सा कट करते हैं और ये एक्सटेंशन ऐसी निकल जाती है। और इसको रिफ्रेशिंग की इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। काफ़ी लोग कहते हैं कि बाल डैमेज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों को इसलिए मैं डिटेल में दिखा रही हूँ, तो आप लोग सब मुझे कहते हैं आप भी कोई ऐसी वीडियो बनाया करें जो मैं डिटेल में बताएं। काफ़ी मेरी बहनों के कमेंट्स आते हैं आप भी डैमेज हो जाते हैं आप भी, तो आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसको लगाने के मैं आपको लगा के भी दिखाऊँगी, क्योंकि इसके बाद इसकी रिफ्रेशिंग भी होगी, वो मैं आपको लगा के भी दिखाऊँगी कि कुछ भी नहीं होता। ये देखिए कितना सॉफ्ट बाल है, कोई बाल डैमेज नहीं हुआ। और ये देख सकते हैं, और अब मैं इसको लगा के भी आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब इतना आपको क्लोजिंग से मैं दिखा रही हूँ कि आप लोग कभी घर पे ट्राई मत कीजिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। घर पे ट्राई करेंगे तो अपने जिम्मेदारी भी करना, क्योंकि ये बहुत हार्डनेस होता है। ये किसी टेक्निकल के पास आप करवाएगा, ये कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कहती हैं नहीं यार हम इतना क्लोज करके देख लिया, अब हम खुद से ट्राई करें, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ये हर चीज़ का तरीका होता है। तो ये देख सकते हैं इसकी कट लग गई। अब इसके बाद हम इसको करेंगे रबर बैंड, जो काशीस भी यूज़ करता होगा, आपको पता है कि काशीस की जो बल्ब वाली एक्सटेंशन होती है उसमें रबर बैंड यूज़ करता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में ही कह रही हूँ। और इसकी अगर दूसरी वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने इसका नंबर ऐड लिंक ऐड कर दिया, तो आप उस लिंक में ऐड करके आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और बहुत सॉफ्ट है और कोई डैमेज इसका ये किसी चीज़ का कोई इशू नहीं होता, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कोई इशू नहीं होता। तो आप लोग प्लीज़ ये वाली एक्सटेंशन ये भी करवाएं। एक्टिव मैं तो कहती हूँ ये भी बहुत बेस्ट है और एक्टिव भी बहुत बेस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर मुझे देखिए कुछ क्लाइंट को एक्टिव पसंद, कुछ को सेक्स पी डी पसंद होती है, किसी को क्या, किसी हर क्लाइंट के अपने। और ये वाली मेरी क्लाइंट है, इसे सिर्फ क्रोशन पसंद है, तो इसे कहते हैं क्रोशिया एक्सटेंशन। तो ये मेरी क्लाइंट को ये पसंद है, और कुछ क्लाइंट को एक्टिव पसंद है, कुछ क्लाइंट को सेक्सी पसंद है। तो हर क्लाइंट की अपनी अपनी डिमांड होती है, तो आपको पता है हर क्लाइंट की अपनी अपनी डिमांड होती है, उनकी मर्ज़ी होती है, वो जैसे भी करवाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये इसका फाइनल लुक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।